लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई महानगर पालिका ने बेलगाम हो रहे कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक जिन सोसाइटियों में 5 से अधिक कोरोना मरीज पाए जाएंगे उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। निर्देश का पालन कराना सोसाइटी चेयरमैन और सचिव की जिम्मेदारी होगी। मनपा आयुक्त अभिजीत बंगर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कंटेनमेंट जोन में आदेश का उल्लंघन हुआ तो सोसाइटी पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पहली बार गलती पर 10,000 का दंड, दूसरी बार 25,000 और तीसरी बार गलती पर 50,000 की पेनल्टी लगने वाली है। देखिए रिपोर्ट। सैटेलाइट सिटी नई मुंबई शहर इन दिनों कोरोना के कहर से जूझ रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 911 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 की मौत हो गई है। फिलहाल महानगर पालिका ने इसे देखते हुए उन सोसाइटियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है जहां 5 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसी सोसाइटियों के लोगों के बाहर आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई हो रही है। आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने सोसाइटियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इसके तहत चेयरमैन और सचिव पर कोरोना सुरक्षा निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10,000 की पेनाल्टी, दूसरी बार में 25,000 और तीसरी बार गलती पर 50,000 का दंड और कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि मनपा का प्रयास कोरोना संक्रमण को रोकना है। उन्होंने नागरिकों से भी मदद का आह्वान किया। म्हणजे एका बिल्डिंग मध्ये जर 5 पेक्षा जास्त पेशंट्स असतील तर ती संपूर्ण बिल्डिंग किंवा जर त्या बिल्डिंग मध्ये इतर बिल्डिंगच्या सगळ्यांच्या मिळून जर सेपरेट एंट्री एक्झिट नसेल तर संपूर्ण सोसायटी सील केली जाते, आणि जर 5 पेक्षा कमी पेशंट्स असतील तर तो फ्लोअर सील केला जातो। त्या बिल्डिंग मधनं इनवर्ड आणि आउटवर्ड मुव्हमेंट संपूर्णतः बंद होणं अपेक्षित आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।